नमस्कार दोस्तों, कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि ये स्वास्तिका कंपनी जो इन्वर्टर डिजाइन कर रही है, जो बना रही है, वो ट्रांसफार्मर लेस क्यों नहीं बना रही है। यानी जो हाई टेक्नोलॉजी है, इस समय का जो ट्रेंड चल रहा है ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी का, वो क्यों नहीं डिजाइन कर रही है। तो आज हम इसी पे एक छोटा सा वीडियो आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, जो आपको काफ़ी समझ में आए, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी स्वास्तिका का समझने के लिए काफ़ी लॉन्ग वीडियो होगी, और स्टेप बाई स्टेप उसमें एक ही वीडियो में नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि उसकी जो परफॉर्मेंस है और जो उसकी डिज़ाइन है, जो उसकी थॉट्स है बनाने की, उसकी जो सोच है उस कंपनी की, वो एक अलग है। देखिए, यहाँ सबसे पहले दोनों में डिफरेंस को समझते हैं, दोनों के अंतर को समझते हैं, ट्रांसफार्मर लेस और ट्रांसफार्मर के इन्वर्टर में अंतर क्या है, इसके डिज़ाइन और मटेरियल में, और इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जो डिज़ाइन है ट्रांसफार्मर लेस की, इसकी डिज़ाइन सेमीकंडक्टर और विस्टर के बेस पे होती है। ये सिलिकॉन मटेरियल इसमें यूज होता है, और इसमें ट्रांसफार्मर की में क्या होता है, इसमें कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन बेस्ड मटेरियल यूज किए जाते हैं। इसकी लो लाइफ लिमिटेशन होती है, और इसकी लॉन्ग लाइफ वेरी हाई क्वालिटी बेस्ड इज मोर रियलबल। ठीक है, ये जो इसकी तुलना में अधिक भरोसेमंद होता है। अब यहाँ आ जाते हैं इसमें क्यों। जैसे यहाँ पर देखें, पंखे में लगे कैपेसिटर, जो पंखे में हमारे रूम में जो फैन लगे होते हैं उसमें कैपेसिटर लगे होते हैं, उसमें लगे कैपेसिटर एक समय के बाद ख़राब हो जाते हैं, और आजकल जो कैपेसिटर बन भी रहे हैं तो उसकी भी लाइफ काफ़ी कम हो गई है, कारण टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदलाव। इसकी जो डिजाइनिंग होती है, यहाँ पर टोटल प्रोग्रामिंग बेस्ड होती है, यानी इसकी जितनी भी पीसीबी और टोटल डिजाइन होगी वो एक प्रोग्राम के रिलेटेड सारी डिजाइन होगा। और यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये इंडियन डिजाइन सॉफ्टवेयर बेस्ड इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर इनके डिजाइन के अनुसार, यानी इस कंपनी के डिजाइन के अनुसार जो है इसका जो है डिजाइन होता है इसका सॉफ्टवेयर, क्योंकि यहाँ के सिचुएशन के हिसाब से और इनकी अपनी थॉट्स के अनुसार से जो सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है वो इनके इन्वर्टर में होता है, यानी इस कंपनी के इन्वर्टर में हो ये देखने को मिलता है। हम इस पे जब इसके फीचर और इसके फंक्शन के बारे में हम बताएंगे तो आपको काफ़ी कुछ इनके अनुभव और इनके जो थॉट्स, इनके विचार जो हैं, इनको लेकर, एनर्जी को लेकर, ये आपको काफ़ी क्लियर दिखाएंगे और बताएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, इसकी रिपेयरिंग कास्ट। इसकी रिपेयरिंग कास्ट बहुत हाई होगी, क्योंकि कभी कभी रियर केस में अगर सिस्टम आईसी फॉल्ट भी हो जाए, या और भी जैसे असेंबली लेवल का ये डिज़ाइन होता है, तो अगर वहाँ पे फॉल्ट आते हैं तो इसके कंपोनेंट भी मिलना प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बाहर की डिज़ाइन है टोटल, और इसके हो सकता है पूरी पीसीबी ही बदलना पड़े, तो इस वजह से ये काफ़ी कास्ट इसके अधिक आते हैं रिपेयरिंग में। और इसमें क्या है, इसके लिए आपको आसानी से हर जगह टेक्नीशियन अवेलेबल हो जाएंगे, और इसकी जो है रिपेयरिंग बहुत आसानी से बहुत कम में पैसे में हो जाएगा, यानी बहुत कम कास्ट लगता है इसका रिपेयरिंग में इसके अपेक्षा अभी फ़िलहाल। अब चलते हैं नेक्स्ट, पावर फैक्टर को देख लें। यहाँ पे पावर फैक्टर 0.9 से मैक्सिमम ही रहता है इसका, जो अच्छाई है। और यहाँ पर देखेंगे पावर फैक्टर इसका जो है 0.8, ये कॉइल इंडक्शन के कारण जो है इसका जो पावर फैक्टर बनता है 0.8 होता है, और इसकी एफिशिएंसी 95% होता है, और इसकी एफिशिएंसी 80 से लेकर 85%, तो अंतर कितना हुआ, 10% दोनों में। और मेरी एडवाइस को देखेंगे, जैसा कि लोगों का जो क्वेश्चन था, मेरी एडवाइस में सबसे बेटर यही रहेगा, क्योंकि आपको बता दें कि ये जो डिज़ाइन है ये लॉन्ग लाइफ को देख कर ही डिज़ाइन किया गया, ये भी डिज़ाइन किया जा सकता था, लेकिन इसमें इतने प्रॉब्लम थे कि कस्टमर के लिए काफ़ी समस्या होता, तो उसी को देखते हुए यहाँ पे अभी इस पे जो है इसकी डिज़ाइन नहीं की गई, क्योंकि ये भले ही साइज़ में बड़े हैं, वजन है, लेकिन इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है, इसकी जो रिएबिलिटी होती है, वो चीज़ें जो है इसके अपेक्षा कई गुना इसकी अधिक होती है लाइफ।